निकाला। भाई हमें भी राजकुमारी जी के पास बोतल में अंदर भेज दो ना। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कितना बेताब है तू क्रूर, कि बोतल के अंदर जाना भी गवारा है। भेज दो। वल्ला देखिए राजकुमारी जी, आपको उन सब के चंगुल से बचाने के लिए हम भी इस बोतल में आ गए। बहुत बड़ी गलती की है आपने, आपके इस एक कदम से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हूँ आबाद होने वाले राजकुमारी जी। हमें इस बोतल से बाहर निकालिए अभी के अभी। अरे सब समझ जाते हैं, पर घबराने की क्या जरूरत है। हम बस ये कहना चाहते थे कि आप इत्मीनान रखिए, हम हैं ना आपके क्रूर सिंह आपके साथ, और ये साथ हम जीवन भर निभाएंगे। ज्वाला इत्मीनान आप रखिए, वरना ना इस दुनिया में रह पाएंगे ना उस जहां के रहेंगे। हमें यहां से बाहर निकालिए अभी। जी 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 ज्वाला मेरे भाई, बाहर निकालिए हमें, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। राजकुमारी जी चाहती हैं। ज्वाला ये रहस्यमय ऊर्जा, ये कौन हो सकता है? वल्ला ये मायावी शक्ति कौन है बताइए हमें। राजकुमारी जी घबराइए मत, ये हमारे भाई ज्वाला। राजकुमारी जी क्या हो गया तुम्हें? स्वामी क्षमा कर दीजिए, अब अपना वचन निभाने पर चंद्रकांता को नहीं मार पाए। ये क्या कर दिया तुमने? तुम ही तो हमारा सहारा थी, अब तुम्हारे बिन तो हम बेबस हो जाएंगे। चिंता मत करें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी ताकत बनकर। अब आपको हमारी कमी नहीं खलेगी, हमें अपना सारा सहन और शक्तियां मैं दे दी, अब आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। श्यामला अरे जीते जी तो तुम हमारे काम आई नहीं, पर तुम्हारी मौत हमारे बहुत काम आएगी। अब उस चंद्रकांता को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, वो वीरेंद्र सिंह भी नहीं। सुन रहे हो तुम? अच्छा हुआ मरने से पहले तुम्हारी सच्चाई पता चल गई हमें, हमारा अंधा प्रेम और विश्वास ये तो हमारे साथ होना ही था। कितने नादान थे ना,
देखना भी नहीं समझ पाए कि तुम्हारे फितरत में ही धोखा। शक्तिशाली बनने के लिए तुमने तो बस हमारा इस्तेमाल किया। एक बात मत भूलना, तो चंद्रकांता का प्रेम सच्चा है और बहुत ताकत होती। चंद्रकांता वीरेन की हमेशा थी, है और रहेगी। मुझे तुम पे ना तरस आता, तुम इतना भी नहीं समझ पाए। प्रेम बल से या छल से नहीं जीता जाता। प्रेम का दूसरा नाम है बलिदान, कुर्बानी। मौत के मुंह में खड़ी और हमें उपदेश दे रही है। आहुति तो आज देनी होगी, लेकिन हमें नहीं, तुम्हें। सुन रही हो? तुम्हें। चंद्रकांता, अब एक पल की भी जुदाई सही नहीं जाती। हम आ रहे हैं अब तुम्हें अपना बनाने के लिए। वल्ला, पड़ गए ना हैरत में। ये है मेरा जुड़वा भाई ज्वाला। बहुत गुमान है ना तुझे अपनी ताकत पर। तो आ मेरे भाई ज्वाला से लड़। ज्वाला, वल्ला, मैं संभालता हूं। पानी ही शांत कर सकती है। yeah!
आज आप क्रूर सिंह को पकड़िए। सूर्यास्त होने में भी कुछ ही वक्त बाकी है, मैं इसे संभालता हूँ। भाई हम बचाएंगे। क्रूर सिंह, अपने गुनाह को कबूल करो। क्रूर सिंह कबूल करो कि तुमने हमारे पिता की हत्या करवाई है। कबूल करो तुम। हे वीर, रुको। वीरेंद्र, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे और ज्वाला को पकड़कर तुम अपने पिता के असली कातिल तक पहुंच गए? ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस साजिश में हम तो बस छोटे से मोहरे हैं। हाँ, छोटे से मोहरे। असली कातिल तो कोई और है कमबख्त। कोई और? कौन है कातिल, नाम बताओ। युवराज, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या? राजकुमारी चंद्रकांता कारावास में नहीं है। क्या? जी। वीरेंद्र, उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब तो चार कांधे ही उसे शमशान घाट तक उठा के लेकर जाएंगे। बड़े ही सही वक्त पर पहुंचे, वरना हमारा तो राम नाम सत्य कर देता है कमबख्त। चंद्रकांता, तुम्हें बचाने वाला तो मौत के घाट उतर गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा हमसे। अरे उठो, चलो चलो, तुम्हें कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। चलो सिद्धार्थ, छोड़ दे राजकुमारी को। अरे हिल, छोड़ दिया।
लेकिन सोच, अरे उसे छोड़ देगा तो क्या होगा तेरा, उसे कैसे पकड़ेगा। लेकिन एक बात हमारी भी कान खोल के सुन ले तेज सिंह, आज चंद्रकांता को हमारा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। चंद्रकांता हमारी है, इस तरह हम जाने नहीं देंगे। सौदा हुआ था हम दोनों के बीच, पर उस बात से आप मुकर नहीं सकते। कमबख्त शिवदत्त इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? इससे लड़े तो बेमौत मारे जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे तभी तो राजकुमारी जी को पा पाएंगे। और रुको क्रोध सिंह, युवराज क्षमा चाहते हैं गलती के लिए। आपसे हम टकरा सकते हैं क्या? डर, बावजूद वो कारागार से आजाद कैसे हो गई? ये तो हम नहीं जानते बड़ी मां, पर किसी की मदद के बिना ये सब कर पाना संभव नहीं है। ये काम जरूर विजयगढ़ के अय्यारों का होगा। युवराज कहाँ है? पता नहीं बड़ी मां, हमने भी युवराज को सुबह से कहीं नहीं देखा है।